वेलकम बैक नाज़रीन, करता फिर आपको शामदीद कहते हैं। दुनिया बोल है मैं, और जैसा कि आप मास्टर फ्रेम में देख ही चुके हैं तो हम थोड़ी सी डिटेल भी आपको बता दें कि जी मौसम बदलते ही मलबूसात से लेकर ज्वेलरी तक सब कुछ बदल जाता है। कहते हैं कि अच्छी ड्रेसिंग ठंडे मौसम में ही मुमकिन है। अब गर्मियां रुखसत के करीब है, मानसून के फौरन बाद खिजा का मौसम करीब है, हवा में हल्की सी खनकी महसूस की जा सकती है। ऐसे में आप अगर आपको फैशन के बारे में ना बताया जाए तो ये ज्यादती हो जाएगी। क्यों सारी साहिबा? बिल्कुल जनाब, अपकमिंग फैशन क्या है, क्या चल रहा है? अक्सर खवातीन आपस में बातें करती हैं ना कि भाई बताओ क्या चल रहा है, मुझे कपड़े सिलवाने हैं या बनवाने हैं या खरीदने हैं, तो मैं क्या खरीदूँ। तो जनाब आज आपकी इस मुश्किल को आसान करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मशहूर और मारूफ फैशन डिज़ाइनर हैं सैयदा किरण साहिबा। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू आवर शो। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। और आज मैं देख रही हूँ आपके पास माशाल्लाह क्या ज़बरदस्त कलर्स हैं, और ये ज़्यादातर मुझे लॉन्ग ड्रेसेस लग रहे हैं, जंप सूट लग रहे हैं, क्या चल क्या रहा है आजकल? आजकल एक्चुअली मिड समर है, गर्मियाँ जा रही हैं, सर्दियाँ आने वाली हैं, तो इसमें ना प्रॉपर लॉन चलती है ना प्रॉपर कॉटन चलती है। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि ऐसा मटेरियल लें जो कैजुअल भी और फॉर्मल भी यूज़ हो ना। तो जॉर्जेट है और उसमें शिफॉन है, ऐसे ड्रेसेस, और कार्डिनेट है, तो इस तरह के फैब्रिक यूज़ किए जाते हैं, और हल्के हल्के थोड़ी तरह कट्स के अलावा कट्स जो हैं आजकल लॉन्ग शर्ट्स पे भी चल रहे हैं, शॉर्ट्स पे भी चल रहे हैं, डिपेंड कि आपकी क्या खुद की क्या चॉइस है। अच्छा, बहुत सारे लोग जंपसूट अवॉइड करते हैं, नहीं पहनते, कुछ खवातीन पहनती हैं क्योंकि मुझे लगता है जो स्किनी होते हैं ना उनको जंपसूट अच्छे लगते हैं। तो ये फैशन बहुत ज़्यादा इन हो गया अब जंप सूट का, आपके भी ड्रेसेस में मैं देख रही हूँ, बल्कि मैं कुछ आपके ड्रेसेस दिखाती भी हूँ। मैं चाहूँगी कैमरा मैन अगर कुछ फोकस करें तो मैं दिखाती हूँ कि इनके पास खवातीन की बातें शुरू हो गई हैं नाज़रीन। अच्छा, जिस तरह कि ये आपकी भी जंप सूट है जी, ये गाउन है, गाउन, अच्छा गाउन है, ये गाउन है लेकिन इसके साथ हमने शॉर्ट इनर रखा हुआ है, और किरण साहब आप यहाँ है ना, यहाँ आके बताएं जरा जी। हाँ, डिटेल शॉर्ट इनर है और इसके साथ बेल बॉटम हमने दिया हुआ है। ठीक है, बेल बॉटम है, ओके। और इसके कलर को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? इसको गाउन है ना, ये तो शॉकिंग पिंक है, शॉकिंग पिंक, शॉकिंग पिंक है। अच्छा जी, ये देखें, एक शेड और मैजेंटा भी मिक्स हो जाता है, मैजेंटा भी आ गया। अच्छा अच्छा, वो जंप सूट जो मुझे नजर आया था, मुझे लगा शायद ये है, वो ये है, ऑरेंज है। अच्छा, ऑरेंज है, ओके, ये जंप सूट है। देखिए जनाब, ये आजकल बहुत चल रहे हैं, और इसके साथ हमने ये, अच्छा वेरी नाइस। अच्छा, ये आपने मसला ही हल कर दिया। हाँ। अगर कोई थोड़ा सा जरा चबी भी है तो वो भी पहन सकता है, उसके लॉन्ग शर्ट है तो उसको थोड़ा सा ऑड नहीं लगेगा ना। एग्जैक्टली, तो ये अच्छा हो गया। अच्छा, मेरा आपसे ये गिला है किरण साहिबा कि ये जितने भी कपड़े आप लोग बनाते हैं ये सिर्फ स्किनी खवातीन के लिए क्यों बना रहे हैं? जो चबी है उनके लिए भी बनाया और उन्हें रैंप पे भी लेकर आए ना। हाँ, हाँ, रैंप पे आप देखें तो दुबली पतली खवातीन जो है वो चल रही होती है, ऐसा लगता है कपड़े हैंगर पे हैं। मतलब ये तो आप डिजाइनर्स का काम है ना कि आप जरा अपने मार्केट को थोड़ा सा बढ़ाए। अच्छा, और ये आप बल्कि साथ साथ उनका भी बता दें, मैं तो कपड़े देख रही हूँ ना खवातीन। आप कपड़ों में, मैंने कहा ना ये सारी साहिबा गुम हो गई हैं, बात जो है जब कपड़ों की बात आए ना तो खवातीन को कुछ आवाज सुनाई नहीं देती। अच्छा, ये कर्ट्स हैं, इसके साथ भी हमने ये, इसके साथ ये, अच्छा इसके साथ ये ट्राउजर, ये बेल बॉटम है, बेल बॉटम है ये, ठीक है जी। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि अब लड़कियां जो है ना वो थोड़ा प्लेन्स की तरफ चली गई हैं, उनको इस तरह के ड्रेसेस अच्छे लगते हैं। इसमें आपकी लुक बहुत अच्छी आती है, डिसेंट लगते हैं, डिसेंट लगता है, इसके बाद मेकअप बहुत अच्छा लगता है आपका, आपके शूज, आप कैरी कैसे कर रहे हैं इसको डिपेंड आप पे कर रहा है। नहीं, ये मुझे कॉम्बिनेशन भी खैर बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, हम लड़कों के कपड़े बड़े आसान होते हैं, शलवार कमीज, खवातीन के लिए ऐसे जैसे किसी इटालियन रेस्टोरेंट में बैठे और पोचो प्लाजो, ये आ गया ना पोचो, कितना अच्छा लग रहा है ये भी। इसमें ये जो बंच है ये इसको जनाब खूबसूरत बना रहा है। अच्छा, वैसे आजकल आपको क्या लग रहा है बच्चियां जो यंगस्टर्स हैं ज्यादातर वो क्या खरीद रही हैं, पोंचो, जंप सूट या फिर लॉन्ग सूट ज्यादा ले रही हैं, और उसके बाद शॉर्ट्स जैसे मैंने पहना हुआ है इस टाइप के, वन टोन में, कोई कलर्स में, और प्रिंट्स, प्लेन्स चल रहे हैं, एक टाइम आया था प्रिंटेड, जिनको आजकल कहा जाता है बेसिक्स एक्चुअली। तो अब जो है, अब जैसे ये कलर बहुत ठंडा सा है, बिल्कुल ये गर्मियों का कलर है, हाँ, अब ये भी पहनने के बाद बहुत नाइस लगता है। सही। अच्छा, इसके साथ भी बेल बॉटम है, इसके साथ भी बेल बॉटम है। ये कलर बहुत खूबसूरत है, ये कलर मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसका भी नाम बता दीजिएगा क्योंकि हम तो पर्पल ही कहते हैं लाइट, लेकिन मोव कहलाता है, सब पता है आपको, नहीं पता सब है, बेगम के साथ शॉपिंग पे जाते हैं, मुझे जापानीज पीको का भी पता है। जापानीज पीको जी, आपको नहीं पता, देखा मैं लेटेस्ट पे हूँ, मुझे दुपट्टों पे होने वाली जापानीज पीको का भी पता है। मैं सब कुछ रेडीमेड लेती हूँ, मुझे पीको का भी कराई। ये देखिए, ये कलर जो है ये बहुत प्यारा कलर है। हाँ, अब इसके साथ ये दुपट्टा है,
ये ऑर्गन्स है दुपट्टा, वेरी नाइस, ये दुपट्टा बहुत अच्छा लग रहा है फैशन में जी। गुड, ठीक है जी। अच्छा अब जनाब आ जाते हैं फॉर्मल्स की तरफ, जो कि आपने एंड में रखे हुए हैं जी। मैंने एंड में रखे हैं ये जनाब। हाँ जी, आजकल शादियां भी आगे मौसम बदलते ही शादियां आ जाएंगी। ये थोड़ा सा लाइट ले लें तो फिर ये है। अच्छा जी, ग्रीन कलर है, ग्रीन में सही। तो नाजरीन आपको पता चल रहा है कि कलर्स जनाब जो इन है, पाइनएप्पल येलो बड़ा अच्छा कलर है। व्हाइट कलर भी आजकल बहुत ट्रेंड में है, ये पहनने के बाद बहुत स्मार्ट लगता है। अच्छा ये वेरी नाइस, ये देखिए कॉम्बिनेशन कितना अच्छा है। ये इसके ऊपर गाउन है जी, गाउन के साथ ये बेल बॉटम और वाइट कलर की शर्ट है इसके अंदर। अच्छा सिल्क भी है, इन हो गई है। एग्जैक्टली बेहतरीन। अब मैं अपने अच्छा, सवालों का जवाब चाहूंगा सर। आप पहले ये इतने अजीबोगरीब नाम क्यों होते हैं इनके, मुझे ये बताएं, ये क्यों ये पोचो और ये प्लाजो और ये कैपरी, ये क्या है मतलब भाई? सीधे सीधे शलवार कमीज ट्राउजर ये क्यों नहीं है? क्योंकि अगर ये खवातीन के लिए सीधे सीधे चीजें हो तो वो फैशन खत्म हो जाएगा। अच्छा वो टेढ़ी पसली से बनी है इसलिए हर चीज टेढ़ी होगी। जबरदस्त ये। अच्छा, अब हमें समझ में आ गई ना ये चीज। अच्छा मुझे ये बताएगा किरण कि जो कलर